हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय छठा उषा, शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी हुई एक छोटी सी कविता है। पहले इनके परिचय से शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 ईस्वी में। इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। 8-9 वर्ष की आयु में इनकी माता जी का देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। शादी के 6 साल बाद ही टीबी के रोग के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, बात भूलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी उन्होंने किया। इस पार्ट में जो हमारी उषा कविता है, छोटी सी कविता है, यानी उषा काल का जो समय है, सूर्योदय से थोड़े से पहले का जो समय उषा काल का, सुबह जो लालिमा छाई जाती, उसके बारे में, उनकी उसकी सुंदरता के बारे में इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। तो देखते हैं कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था, प्रातः उषा काल का समय, नभ का मतलब आकाश, था बहुत नीला शंख जैसे, या नीला शंख का मतलब है गहरा नीला। क्या मतलब है? गहरा नीला, यानी उषा काल के समय है। कवि क्या बता रहे हैं कि आकाश का रंग कैसा था? गहरा नीला। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ। और भोर का जो नभ है, उषा काल का जो प्रातः काल का जो नभ है, यानी आकाश जो है, कैसा लग रहा था? राख से लिपा हुआ चौका। चौका कहते हैं रसोई घर का जो फर्श होता है, रसोई घर का जो फर्श होता है उसे कहते हैं चौका। यानी कवि क्या बता रहे हैं कि जो भोर का आकाश है, सुबह के समय उषा काल के समय जो आकाश है, वो कैसा दिखाई देता है? जैसे रसोई घर के फर्श को राख से लिपा हुआ होता है, रसोई घर का फर्श जो अभी गीला है, सूखा भी नहीं है, वैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे मानो किसी ने राख से इसे लीप दिया हो, जो अभी भी गीला है, अभी तक सूखा भी नहीं है, वैसा दिखाई देता है आकाश सुबह का उषा काल। जैसे ये पहला है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है, यहां ध्यान रखना, राख से लिपा हुआ चौका, यानी नभ कैसा दिखाई दे रहा था? मानो राख से लिपा हुआ जो फर्श होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार ध्यान रखना यहां, यानी मानो इन शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्ष होता है, लेकिन कई बार शब्द आता नहीं है, फिर भी हमें जब अर्थ निकालते हैं तो वहां मानो शब्द अगर प्रयोग में हम लेते हैं, जिस प्रकार ये आया है कि सुबह का जो आकाश है मानो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे उसको राख से लीप दिया गया हो, तो यहां ध्यान रखना उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी। बहुत काली शील, शील का मतलब यहां है पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा जिसके ऊपर हम मिर्च या मसाले पीसते हैं, बारीक करते हैं, हमारे घर में जो होती है गांव में अक्सर, उसको कहा गया शील। बहुत काली शील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यानी सुबह का जो आकाश है उषा काल के समय का जो नभ है कैसा लग रहा है? जैसे
सीड के ऊपर जो पत्थर होता है उसके ऊपर किसी ने पानी में केसर घोल के डाल दी हो, वैसा लगता है सूसा काल का जो नभ है। स्लेट पर या लाल खिड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खिड़िया चाक, ऐसा लगता है जैसे लाल रंग की जो खिड़िया या चौक होती है वो किसी ने मल दी है। सूर्यदेव का या ये कह सकते उषा काल का, सूर्यदेव से कुछ समय पहले का उषा काल का समय होता है, उसे उस समय आकाश को देखकर लगता है कि किसी ने लाल खिड़िया या चौक किसी पे मल दी हो। क्या मल दी हो? लाल खिड़िया या चौक। या काली शील और स्लेट जो शब्दाए हैं वो आकाश के लिए आए, ध्यान रखना किसके लिए आए, आकाश के लिए। यहां पर संधि अलंकार है, यह आया ना, कौन सा अलंकार है? संधि, ध्यान में रखना। यहां पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है, बोध काली शील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, तो यहां पर भी ध्यान रखना। आगे देखिए, नील जल में या किसी गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उसका काल का सूर्य देखो। नील जल में या किसी गोर झिलमिल दे, नील जल का मतलब नीला जल, नी सुबह उषा काल का जो आकाश उसको कहा गया है नीला जल के समान दिखाई दे रहा है। आकाश उषा काल का जो नभ किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? नीले जल के समान दिख रहा है, उसके अंदर गोर झिलमिल दे, उस पर जो सुबह की हल्की हल्की लालिमा छाई हुई है, जो लाल पीली लालिमा छाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि नीले जल में कोई गौर वर्ण की सुंदरी झिलमिला रही है, नहा रही है, ये देह है, ये उसकी देह हिलती डुलती नजर आ रही है, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जब उषा का जादू टूटता है, उषा का जो समय है, उषा काल का समय, उसका जादू, उसकी सुंदरता कब टूटती है, कब बिखर जाती है? सूर्योदय हो रहा है। जब सूर्योदय होता है तो जो उषा काल की लालिमा है उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और जो उषा काल का सुंदरी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहां देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यहां भी उपेक्षा अलंकार है, यानी नीले जल के सरोवर में मानो किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नीला जल आकाश को कहा गया, नीले जल का सरोवर किसको कहा गया है? आकाश। और गौर झिलमिल दे, ये जो शब्द है यानी गोरी झिलमिलाती सुंदरी की देह, ये जो प्रातःकाल से पहले जो लाल पीली आभा होती है उसके लिए आया है, यानी प्रातःकालीन जो आभा है, ऐसा लग रहा है कि आकाश रूपी नीला जो सरोवर है उसमें स्नान करिए, जो आभा होती है प्रातःकालीन उसके लिए ये शब्द आया, तो ये थोड़ा ध्यान में